हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे बहुत डरते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें ये छुड़वा दीजिए, हमें नहीं करना, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स करवाइए, हमारा तो भाई न्यूमेरिकल में मैम हाथ बहुत टाइट है, हम नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। तो आज ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है। तो हम शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आप सभी को न्यूमेरिकल समझ आएंगे, इवन न्यूमेरिकल पोर्शन आप सभी का फेवरेट पोर्शन बन जाएगा। बट कंडीशन इज के वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए ही आई हूँ, सब कुछ समझ आएगा पर वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए हमारी पहली स्टेटमेंट है, इफ एपीएस, एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू जो दी हुई है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू है 0.8। हाउ मच विल बी द एपीसी, एपीसी की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए एपीएस और एपीसी इन दोनों का टोटल 1 के इक्वल होता है। हमें एपीएस की वैल्यू दी हुई है 0.8, एपीसी की हमें निकालनी है। दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब एपीसी यहाँ है, यहाँ पे क्या है 1, हम 0.8 को वहां ले जाए, 1 में से 0.8 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 0.2। इट मींस एपीसी की वैल्यू कितनी रह गई 0.2। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, न्यूमेरिकल्स को मेरे साथ साथ कीजिए, कहीं समझ नहीं आता वीडियो को पॉज कीजिए फिर से देखिए, मैं गारंटी से कहती हूँ आपको न्यूमेरिकल्स जरूर समझ आएंगे। इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट डन, सेकंड है, अगर एपीसी की वैल्यू 0.9 है, हाउ मच विल बी एपीएस, तो एपीएस की वैल्यू क्या होगी, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एपीसी की वैल्यू है 0.9, एपीएस की हमें नहीं पता, कैलकुलेट करनी है। एपीएस इक्वल्स टू 1, 0.9 हम वहां ले गए, 1 में से 0.9 को माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या रह जाती है 0.10। तो एपीएस की वैल्यू आ जाती है 0.10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इफ एमपीएस इज 0.65, व्हाट विल बी एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू क्या रहेगी। अब हम इसको देख लेते हैं जरा। जैसे कि हमने अभी देखा कि एपीसी और एपीएस दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है, ऐसे ही एमपीसी और एमपीएस इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर ही रहता है। हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है, दैट इज अ 0.65। एमपीएस की हमें निकालनी है वैल्यू, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, यहां पे क्या है 1। अब एमपीएस इक्वल्स टू 1, 0.65 को हम वहां ले गए, यहां पे ये प्लस का है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 1 में से 0.65 अगर हम माइनस करते हैं तो ये रह जाता है 0.35। क्लियर है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तीन न्यूमेरिकल हमने कर लिए, मुझे उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना फोर्थ न्यूमेरिकल। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1, हाउ मच विल बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एमपीसी क्या होगी। अब एमपीएस प्लस एमपीसी दोनों का टोटल किसके बराबर है,
वन के बराबर है। वैसे तो देखिए अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई, मतलब कि यही पता लग गया कि इन दोनों का टोटल वन के इक्वल है, तो आपको ये नमारिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए अपना दिमाग लगाइए, जब इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, वन, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू वन के बराबर होती है। अब उन्होंने हमें एक कॉम्पोनेंट ही दे दिया कि ये वन है, इट मीन्स ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसकी वैल्यू वन है, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे भी क्या है वन, एमपीसी इक्वल्स टू वन माइनस वन, तो एमपीसी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अगर एक कॉम्पोनेंट ही वन के बराबर हो गया, इन दोनों का टोटल ही जब वन है, तो दूसरा कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये था हमारा फोर्थ नंबर नुमेरिकल। अब नेक्स्ट नुमेरिकल थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस, देखिए इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसके लिए आपको मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लायर क्या कहता है हमें, पहले तो मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है, एक बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना किसी चीज को, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चीज कई गुना बढ़ जाती है या फिर कई गुना कम हो जाती है। तो मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कई गुना ज्यादा चेंज होता है, या अगर हम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इनकम कई गुना कम हो जाती है। वैसे मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज अ चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के साइन से। अब यहां तक पहुंचने का फॉर्मूला क्या है, देखिए एक तो ये है फॉर्मूला कि k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं k इज इक्वल टू 1 माइनस mpc, कि अगर हमने ये k की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 1 में से mpc माइनस कर दें भी, हमने जो पहले इससे न्यूमेरिकल किए हैं, हमने पढ़ा था ना कि mpc प्लस MPS इक्वल किसके होती है, वन के होती है। अगर हम वन में से MPC को माइनस कर दे तो बाकी जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, MPS। अब अगर यहां पे वन माइनस MPC है तो इसका मतलब वन माइनस MPC किसके इक्वल रहता है, MPS के। तो चलिए देखते हैं फिर इसका न्यूमेरिकल। इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज 0.8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि उन्होंने क्या दिया हुआ है, एमपीसी दी हुई है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू क्या है, 0.8। 1 अपॉन 1 में से 0.8 माइनस किया, 0.2। अब अगर हम ये पॉइंट को हटाते हैं, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी ही नीचे क्या लग जाएंगी, जीरोस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 1 अपॉन 0.2 है ना, मतलब पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, तो नीचे क्या लग जाएगा इसके, 10। ये 2 रह जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा, 10। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 10 बाय 2। क्योंकि जब भी ऐसे हो स्टेटमेंट, तो जब नीचे ये ऐसे दिया हुआ हो, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो, तो साइन कौन सा आ जाता है, मल्टीप्लाई का आ जाता है, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब 2 को डिवाइड किया 10 के साथ तो क्या आ गया, 5। इट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। समझ आया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, that is if the value of MPS is 0.25, calculate the value of multiplier। अब उन्होंने हमें MPS की value दे दी और बोला कि multiplier निकालो। निकाल देते हैं भाई,
देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होती है, एमपीएस के। तो इट मीन्स हम मल्टीप्लायर को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में एमपीएस की ही वैल्यू दी हुई थी जो हमने फिल करनी है और हमारा मल्टीप्लायर सॉल्व हो जाएगा। के इक्वल टू 1 अपॉन 0.25। अब अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के मतलब कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 100। पहले पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने नीचे लगाया था 10। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम लगाएंगे 100। फिर से वही बात कि ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, 4। समझ आए न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स समझ आए हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए न्यूमेरिकल्स के साथ। धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा, इजी टू टफ पे जाएंगे हम। आपको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने समझ आ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।